मधु मंडेना और नितेश तिवारी एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसका नाम है रामायण 3D। लेकिन क्या इस फिल्म में महेश बाबू काम करेंगे या फिर नहीं, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी अभिषेक एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, मधु मंडेना की बात करें तो उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म जिसका नाम है रामायण 3D उसकी कास्टिंग को लॉक कर लिया था। महेश बाबू, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण। ऋतिक रोशन की बात करें तो ऋतिक रोशन इस फिल्म में रावण का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। और अगर हम दीपिका की बात करें तो दीपिका पादुकोण माँ सीता के रोल में। और अगर हम भगवान राम की बात करें तो भगवान राम के लिए कास्टिंग हुई थी महेश बाबू की। वेल, अगर हम महेश बाबू की बात करें, शायद इस फिल्म को मना कर दिया है या फिर आने वाले समय में इस फिल्म से किनारा कर लेंगे। कारण ये है कि SS राजमौली आने वाले वक्त में महेश बाबू के साथ एक बड़ी फिल्म लेके आने वाले हैं और डेट्स क्लैश कर सकती हैं महेश बाबू की। जी हाँ, महेश बाबू जिनको कास्ट किया है मधु मंडेना ने अपनी फिल्म रामायण में, और SS राजमौली ने भी उनको अपनी आने वाली फिल्म में कास्ट किया है, और दोनों की जो डेट्स हैं वो क्लैश करेंगी। इसलिए सोर्सेज का कहना यह है कि महेश बाबू डेफिनेटली SS राजमौली को ही अपनी डेट्स देंगे। वेल, अगर हम SS राजमौली की बात करें तो RRR के बाद वो महेश बाबू के साथ एक बड़ी फिल्म लेके आने वाले हैं। और अब सोर्सेज ने भी कहा है कि महेश बाबू रामायण 3D को छोड़ के SS राजमौली को अपनी डेट्स देंगे, यानी वो मधु मंडेना की फिल्म में नहीं नजर आएंगे। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि महेश बाबू किसकी फिल्म को चुनते हैं। तो दोनों मेकर्स ने साल 2022 को चुना है दोनों फिल्म्स की शूटिंग के लिए, और अगर ऐसा हुआ तो महेश बाबू को एक फैसला लेना ही पड़ेगा। वेल, अब देखना यही बाकी है कि महेश बाबू किसके साथ काम करते हैं। लेकिन सोर्सेज ने ये कह दिया है कि शायद महेश बाबू SS राजमौली की फिल्म में हमको नजर आ सकते हैं। और वहीं पे अगर हम ऋतिक रोशन और दीपिका की बात करें तो रामायण का नाम है फाइटर, जिसके बारे में बड़ा अपडेट जल्द ही आएगा। तो वेल दोस्तों, आपकी क्या राय है महेश बाबू को लेके और रामायण 3D को लेके? आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, और बॉलीवुड के साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए देखते रहेगा हमारा चैनल जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।